गुड मॉर्निंग. ये शूज एंड सक्सेस बोथ आर इंटरकनेक्टेड. आई डोंट नो यू बिलीव इट और नॉट. पता नहीं आप इन चीज़ों में विश्वास करते कि नहीं करते, बट आई डू एंड आई फॉलो. और सो आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू. आपके शूज़, यस, जो आप पैर में पहनते हैं, आपके जूते, दे आर कनेक्टेड विद योर सक्सेस. कैसे? हम जो शूज़ पहनते हैं उसे जब घर से बाहर जाते हैं, हम पूरा दिन बहुत सारे लोगों के कॉन्टैक्ट में आते हैं, बहुत सारी चीज़ों के कॉन्टैक्ट में आते हैं. एंड एज वी नो, ईच एंड एवरी थिंग हैव देयर ओन एनर्जी, हैव देयर ओन वाइब्रेशंस. और जब हम घर वापस आते हैं तो हम उन सभी ऊर्जाओं को अपने साथ लेकर आते हैं. और पॉजिटिव, वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, वो नेगेटिव भी हो सकती हैं, बट उन सभी चीज़ों को हम अपने साथ लेकर अपने घर आते हैं. इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने जो बाहर के शूज़ हैं उन्हें घर के बाहर उतार दिए, सो दैट जो भी नेगेटिव वाइब्स हैं, जो भी एनर्जीज है, वो बाहर रहे, आप उसे अपने घर के अंदर ना लाएं. सो दैट आपके घर के अंदर का जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब ना हो. योर लेफ्ट शूज़ रिप्रेजेंट योर राइट माइंड एंड योर राइट शूज़ रिप्रेजेंट योर लेफ्ट माइंड. शूज़ को टेढ़ा मेढ़ा, उल्टा सीधा ऐसे ना रखिए, क्योंकि योर शूज़ शोज़ द स्टेट ऑफ माइंड. ऑलवेज कीप देम इंटैक्ट, हमेशा सधा हुआ, सजा हुआ रखिए उन्हें. शूज़ को घर के बाहर ही रखिए, कवर्ड करके रखिए. और इन केस अगर आपके पास बाहर रखने की जगह नहीं है तो बाहर ही उनकी मिट्टी साफ करके, धूल साफ करके, तब उसे घर के अंदर लाइए. योर शू रिप्रेजेंट योर एफर्ट्स. एफर्ट्स के बाद कंफर्ट के साथ अपने घर आइए. अपने जूतों को साफ रखिए सो दैट एफर्ट्स के अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकें. आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा. थैंक यू.